सूर्याती रुझान एक बार फिर से बदल चुका है और आगे निकल चुके हैं हमारे पावन स्टार पवन सिंह जी। हाँ, जिस तरीके से सूर्याती रुझान आ रहा है, पहला जिस तरीके से 20 मिनट की बात किया जाए तो वहां पे उपेंद्र कुशवाहा सेकंड नंबर पर और राजा राम फर्स्ट नंबर पे नजर आ रहे थे और पवन सिंह कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे आ रहे थे। अब भैया 9 बज चुके हैं और 9 बजे का रुझान एक घंटे के बाद जो आ रहा है वो चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला नहीं, बल्कि हमने सोचा ही था कि भैया ये जरूर होने वाला है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह ने एक घंटे में ही गेम बदल दिया है। यानी कि यूं कहें तो मूड बनने में टाइम लगता है और पवन सिंह का मूड अब बन चुका है। यानी कि दर्शकों ने बता दिया है, यानी कि वोटरों ने बता दिया है कि भैया मूड तो पवन सिंह का ही है। जी हां, यानी कि पवन सिंह की लहर धीरे धीरे चलना चालू हो चुका है और जाहिर सी बात है हवा एक वह तेज नहीं होता है, हवा भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है और उसी तरीके से करीब एक घंटे के बाद यानी कि 9 के बाद का जो रुझान है वो सामने आ चुका है। उपेंद्र कुशवाहा को एकदम पवन सिंह धकेल के पीछे नंबर पे कर दिए हैं और पवन सिंह पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं और सेकंड नंबर पर पहुंच चुके हैं राजा राम कुशवाहा और तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। यानी कि एक बार फिर से पवन सिंह का जो जलवा है, पवन सिंह ने जिस तरीके से काराकाट में धुआं धुआं उड़ा दिया था, जिस तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े सुपरस्टार या फिर छोटे सुपरस्टारों को गली कूची नुक्कड़ चौराहे पर उतार दिया था, उसका कहीं ना कहीं फल पवन सिंह को देखने को मिल रहा है। यानी कि भावी प्रत्याशी जो पवन सिंह है वो लग रहा है कि शाम के बजते बजते डंका उनके नाम होगा। हालांकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती रुझान बदल गए हैं ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफी गर्व की बात है। फिलहाल क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।